नमस्कार। आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट है, अमृतसर रेल सेवा शुरू किया गया है। यह नई लाइन अमृतसर से बनाया गया है। इस नई लाइन का पूरा अपडेट आपको इस वीडियो अपडेट में मिलेगा। यह जानने के लिए हमारा यह वीडियो पूरा अवश्य देखें, साथ ही इंडियन रेलवे के आर को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अमृतसर के लोगों को मिलने जा रहा है यह रेल तोहफा, इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और साथ ही मलोट से निकटवर्ती क्षेत्र के लोगों को यह तोहफा मिलने जा रहा है। मलोट से अमृतसर के लिए रेल सेवा शुरू की गई है और अभी तक इस क्षेत्र के लोगों को सड़क मार्ग से अमृतसर जाना पड़ता था। इसी मार्ग को लेकर पंजाब के सारे स्टेशन पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही इस रूट पर नई ट्रेन के परिचालन को लेकर भी जल्द नोटिफिकेशन आ सकता है। उस नए नोटिफिकेशन का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारा चैनल पर वीडियो आता रहेगा और लेटेस्ट वीडियो देखते रहें। जानकारी के अनुसार पंजाब सरकार के इस पत्र पर कार्रवाई करते हुए उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के वरिष्ठ अधिकारी ने उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर के रेल मंडल के प्रबंधक को बीकानेर से अमृतसर के लिए वाया श्री गंगानगर, अबोहर, मलोट, भटिंडा, बरनाला, धूरी, लुधियाना होते हुए जालंधर, ब्यास, फगवाड़ा रेल सेवा का टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार दोनों रेल मंडलों के बीच इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। यदि यह रेल सेवा शुरू होगी तो इस क्षेत्र के लोगों को भारी सुविधाएं होगी। यह रेल सेवा जल्दी शुरू कर लेने की कवायद तेज कर दी गई है। साथ ही इसका कार्य भी पूरा कर लिया गया। इस कार्य का थोड़ा बहुत कार्य बचा हुआ है, जिसे पूरा कर लिया जाएगा और नई ट्रेन के परिचालन को लेकर अनुमति मिल जाएगी। इससे पहले इन सभी नागरिक को जाने के लिए सड़क मार्ग का ही उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस रूट पर रेल सेवा भी आ चुकी है। तो ये था आज का हमारा लेटेस्ट वीडियो अपडेट। इसी तरह के और भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए इंडियन रेलवे के आर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें।